गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन, और यूट्यूब पे 3 साल हो गए। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूँ, नाम यहाँ रिवील नहीं कर सकता, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, मैंने हमेशा देखा है अपने टीचिंग करियर एक्सपीरियंस में कि जब भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस 54 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पहले, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इक्वल टू 54 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड पता है, स्पीड नहीं पता, तो स्पीड को क्या मान लिया मैंने, स्पीड इक्वल टू मान लिया x किलोमीटर पर आर। क्या मान लिया, x किलोमीटर आर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड देन ट्रेवल्स ऑन डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितनी होगी, सेकेंड केस में डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर। और अब स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड देखो, स्पीड इक्वल टू एट एन एवरेज स्पीड ऑफ एंड देन 66 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड कितनी है, x, तो इससे 6 ज्यादा, तो सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल सी बात है यार, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपकी डिस्टेंस कम होगी तो आपकी स्पीड भी कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। वही चीज ये कह रहा है, कॉमन सेंस का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप सोच रहे हो कि खाएं ऐड करूं। अब यहां देखो क्या कह रहा है, इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब टोटल जर्नी तो मतलब यहां से टी निकाल लेते हैं, T1 मतलब हमें पड़ता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको T1 लिख लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू डी अपॉन D1 S1, ये लिख लो, चलो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में T1 कितना है, T1 हमें पता है, तो T1 है, D कितना है, D है, डिस्टेंस कितना है 54, और स्पीड कितनी मानी x। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में फेम यही फॉर्मूला, H2 इक्वल टू D2 अपॉन T2। ठीक है, तो यहां से T2 कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू D2 अपॉन H2, और T2 कितना है मेरे पास, यहां देखो 63, और ये कितना है x प्लस 6। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आएगा, देख लेता हूँ कि नीचे का दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे कर लो, दिखाई यहां तक आराम से, अच्छे से क्लियर है, दिख गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों का टाइम मिला के, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, दोनों का मतलब T1 प्लस T2 को मिला के, दोनों का टाइम मिला के कितने आवर्स लग रहे हैं, 3 आवर्स, बस कुछ नहीं हो गया, कितना आपने कर लिया, T1 की वैल्यू रख दो 54 अपॉन x प्लस T2 की वैल्यू रख दो 63 अपॉन x प्लस 6। ठीक है, और बगल में कितना लिखा हुआ है, ध्यान देखो इक्वल टू में कितना है 3। अब ध्यान से देखना सर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, कुछ नहीं करना है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ये 9 की टेबल है, तो 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लिया, तो 9 6 54 अपॉन x, और यहां से कितना आएगा प्लस का 9 7 63 अपॉन x प्लस 6, यहां तक क्लियर है, इक्वल टू 3। अब देखो इससे ये कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, 3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आएगा 6 इंटू x प्लस 6 और प्लस 7 इंटू x, और अपॉन में क्या आएगा x और x प्लस 6, और इक्वल टू में कितना बचा 1, 0 नहीं बचेगा, कट है कहीं, 0 कर दो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 ऐसे यहां 6 को अंदर भेजो, तो 6 इंटू x 6x प्लस 6 36, कैसे सही ना, प्लस का, तो 7 इंटू x 7x। ठीक है, अपॉन में कितना आ रहा है, ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। अब ये पूरा इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 6 12 13x + 36 और इक्वल टू में कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब 6 को 3 को अंदर भेज दो, तो 13 3 39x + 35 6 18 18 19 3 9 10 9 108। ठीक है, और इधर से कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस 6x, यहां तक क्लियर है, सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल वे में मैंने कोशिश करी आपको समझाने की,
देखो तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, उस पूरे को उठा के उधर ले जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस 39x और प्लस माइनस का 108 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर अभी देखे थे मैंने, 36 थ्री जा ये हुआ था, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या लेंगे, x माइनस 36, क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3, तो क्या आएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब देखो दोनों को प्लग करके एक साथ लिख दो, तो क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है x माइनस 36, x माइनस 36 एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। अब हमें पता है क्या लिखते हैं हम दोनों को, एक इक्वल टू में 0 कर देते थे, तो ये 0 और इधर से ये कितना जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना जाएगा, x इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आर, और यहां से x कितना जाएगा, माइनस 3 किलोमीटर पर आर, लेकिन स्पीड हमारी का नेट भी निगेटिव, तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आएगा, 36 किलोमीटर पर आर। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।